तो हम तो कर्म बंध के बाद क्या होता है, तो कहते हैं कि आबाधा काल छोड़कर। आबाधा काल किसको कहना, जिस काल में उदय योग्य निषेक रचना नहीं होती है, वहाँ कोई निषेक, वहाँ कोई परमाणु नहीं पाए जाते हैं, उसको कहेंगे आबाधा काल। और ये जो आबाधा काल के पश्चात प्रत्येक समय में अनंत अनंत परमाणुओं के समूह जो है, एक एक उदय योग्य है, वो अकेला इतने का ही उदय नहीं हो रहा है, ये तो एक समय में बंधा हुआ यहाँ पड़ा है। ऐसे प्रत्येक समय में जो बंधे ना, उसकी सबकी अभी एक एक क्रिसमस ट्री बनाओ ऐसा। और हर एक का जिसका जिसका उदय योग्य, अभी किसी का ऐसे हो सकता है कि पहला उदय में आ रहा है, किसी का इतना काल बीत गया कि दूसरा उदय में आ रहा है, किसी का इतना काल बीत गया कि तीसरा निषेक उदय में आ रहा है, किसी का इतना काल बीत गया कि चौथा समय का निषेक उदय में आ रहा है, ऐसे हो सकता है। तो हर एक समय का पूर्व में बंधे हुए, अलग अलग समयों में बंधे हुए एक साथ उदय में आते हैं। एक समय में बंधे हुए उसका डिस्ट्रीब्यूशन सागरों वर्षों तक होता है, और अलग अलग समयों में बंधे हुए किसी का पहला निषेक, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का लास्ट वाला, ये सब मिलकर भी उतने ही अनंत हो जाएंगे। यानी अलग अलग समयों में बंधे हुए एक साथ उदय में आते हैं, और एक समय में बंधे हुए अलग अलग कालों में उदय में आते हैं। अब हमें तो पता नहीं कब कैसे बंधे थे, कितना अनुभाग वाले बंधे थे, कितने कर्म परमाणु बंधे थे, कैसे कैसे बंधे थे, और उसका उदय कैसे होने वाला है, ये तो हमारे कुछ ज्ञान का विषय है ही नहीं है। हम तो केवल इसका अनुमान लगा सकते हैं, आगम के द्वारा उसको सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ तो हमें तो ये केवल यहाँ हम इतनी बात देख रहे हैं यहाँ कि क्या क्या होता है, उसमें से जीव कैसा छूटता है क्या है, वो तो चर्चा आएगी जैसे विषय आगे बढ़ेगा। तो जब कर्म बनता है तो उसमें स्थिति जो पड़ती है, तो जो ऊपर का सबसे ऊपर का जो निषेक है उत्कृष्ट, उसमें जितनी स्थिति पड़ी है उसको हम कहेंगे इतनी स्थिति बांधी। परंतु उस समय जो अनंत परमाणु है उनकी जितने निषेक हो गए हैं, उसके एक एक समय की अलग अलग स्थिति पड़ी है, परिणाम एक, परमाणु बंधे अनंत, और उसमें अनंत परमाणु में अपनी अपनी अलग अलग स्थिति पड़ी है। यही तो प्रूव करते हैं ना, निमित्त से कार्य नहीं होता। तो हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं कि कर्णानुयोग, कुछ भी पढ़ो सिद्धांत तो सिद्धांत ही है, वो बदलते नहीं अनुयोग के अनुसार, भाषा शैली भले बदले परंतु सिद्धांत तो वही रहते हैं जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक द्रव्यानुयोग में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक समय में बनते हैं उनकी जो निषेक रचना होती है, निषेक रचना होती है का अर्थ क्या है, अलग अलग परमाणु में कब उदय में आएंगे, वो उसको हम चित्र द्वारा उसको बताते हैं। ऐसे कोई वहाँ परमाणु नीचे ऊपर नहीं होते हैं। हमारे रुपए की कीमत कम होती है ना, डिवेल्यूएशन होती है, या शेयर्स के कम ज़्यादा होते तो पेपर में छप के आता है ऐसा, ऊपर नीचे कुछ सेंसेक्स ऊपर ज़्यादा नीचे होते, तो हमारे तिजोरी के पैसे भी ऊपर से नीचे लुढ़कते हैं क्या, होता है ऐसे ही है, अरे उसकी वैल्यू कम हो गई, वो तो है वहीं पर है। ऐसे ही यहाँ जो कर्म परमाणु है वहीं पर स्थित है, उसकी कब उदय में आने की योग्यता है उसको हम यहाँ चित्र द्वारा आलेखित करते हैं, तो उसको कहेंगे उसकी निषेक रचना होती है। ये हमारे समझने के लिए ऐसा आचार्यों ने हमें चित्र बनाकर समझाया है कि जिस बंद के समय से लेकर आबाधा काल तक कोई निषेक रचना नहीं है, उसके बाद हर समय में उस समय एक समय में बंद हुआ, ये जो सारे परमाणुओं की जो टोटल है ना, इसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध, एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की बात है। ऐसा बंद हर समय कर रहे हैं हम, हर समय अपनी अपनी आबाधा होगी, अपना अपना निषेक रचना होगी, और जो जो निषेक सभी कर्मों के बंधे एक साथ एट ए टाइम उदय में आते हैं, अलग अलग समयों में बंधे हुए, उसका हमें ग्रैंड टोटल, उसकी जो कुछ हमें फल मिलता है एक एक समय का परिणाम। तो ये हो गई निषेक रचना।